हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्यूलर इंजरी। तो इस टॉपिक में हम सेल्यूलर इंजरी को पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में सेल्यूलर एडेप्टेशन को पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे कि सेल्यूलर इंजरी किस तरह होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स, सेल्यूलर इंजरी अकर्स व्हेन अ स्ट्रेस एक्सीड्स द सेल्स एबिलिटी टू अडेप्ट। सेल्यूलर इंजरी हमारे पास कब होती है, जब जो हमारे पास स्ट्रेस है जो सेल पे पड़ रहा है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि जो सेल की एबिलिटी है उसको अडेप्ट करने की वो ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास सेल में इंजरी हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, अब सेल अडेप्ट नहीं कर सकता। सेल ने जितना अडेप्ट करना था उसने कर लिया, अब स्ट्रेस सेल की अडेप्ट करने की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सेल की इंजरी हो जाएगी। द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट्स सीवियरिटी एंड द टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड। तो जो इंजरी है वो डिपेंड करती है हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेस पे, कि किस टाइप का स्ट्रेस है, उसकी सीवियरिटी क्या है, मतलब कितना सीवियर स्ट्रेस है और कौन से टाइप का सेल अफेक्ट हुआ है उस स्ट्रेस से। न्यूरॉन्स आर हाईली सस्पेक्टेबल टू इस्केमिक इंजरी वेयर एज स्केलेटल मसल इज रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट। अगर न्यूरॉन्स पे स्ट्रेस पड़ता है तो न्यूरॉन्स जो है वो हाईली सस्पेक्टेबल हैं इस्कीमिक इंजरी के, मतलब न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा जल्दी इस्कीमिक इंजरी हो जाती है, लेकिन जो स्केलेटल मसल हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, मतलब स्केलेटल मसल में इतनी जल्दी इंजरी नहीं होती। स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया एग्जाम्पल रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्ट्स इन एट्रोफी, वेयर एज अक्यूट इस्कीमिया एग्जाम्पल रीनल आर्टरी एम्बोलस रिजल्ट्स इन इंजरी। मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल दी हुई है रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस की, इसमें क्या होता है कि स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एट्रोफी होती है। लेकिन अगर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है रीनल आर्टरी एम्बोलस की, इसमें क्या होता है कि अक्यूट इस्कीमिया होता है, तो इसमें क्या होता है कि इंजरी हो जाती है। कॉमन कॉजेज ऑफ सेल्यूलर इंजरी इंक्लूड इन्फ्लामेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एक्सेस हाइपोक्सिया, ट्रॉमा एंड जेनेटिक म्यूटेशंस। तो कॉमन कॉजेज क्या है हमारे पास सेलुलर इंजरी के, इन्फ्लामेशन की वजह से इंजरी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल एक्सेस की वजह से हो सकती है, हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से इंजरी हो सकती है, या जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो सकती है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज हैं सेलुलर इंजरी के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।